तो डैन भाई आ चुका है खाली रोड, ये हो रहा कि ग्रीन लाइट, बस बस हमारी लाइट नहीं बाबा नहीं। जाम में फंस गए यार, तो यार लाइट भी नहीं। तो गाइस अब यहाँ पर मैं आपको कराता हूँ इसकी स्पीड टेस्ट, जो कि क्लच प्लेट बदलवाने के बाद जो इसकी स्पीड आई है वो मैं आपको चेक कराता हूँ। तो भाई अभी पहुँच चुकी है 60, ये गई थी 80 तक, खाली रोड नहीं मिला वरना मैं इसे 90 तक भी पहुंचा देता। तो भाई क्लच प्लेट बदलने के बाद तो भाई क्या ही परफॉर्मेंस दे रही है। तो भाई मैं तो हूँ राइड के लिए एक्साइटेड। मौसम भी हो चुका है जैसे कि हमने सोचा था कि राइड से पहले मौसम ठीक हो जाएगा, तो जैसा सोचा था वैसा ही हो चुका है फिलहाल। तो जैसा भी प्लान कर रहे हैं राइड के हिसाब से, मौसम का सोचा था कि मौसम में जैसे बारिश मिलेगी, वो डाउट अब अपना क्लियर हो चुका है, मौसम हो चुका है क्लियर। कई दिनों से ना ही बारिश हुई है ना ही घटा हुई है। भाई 15 अगस्त भी आने वाला है, हम वैसे सोच रहे थे 15 अगस्त को निकलने की, पर वो प्लान कैंसिल कर दिया हमने। 15 अगस्त को ना जाके अब हम जाएंगे 20 तारीख को। वैसे 15 अगस्त के दिन निकलते थे यार सही रहता। बाकी अपनी छुट्टी को चलाने में आ रहा मज़ा। तो भाई जितने भी डाउट थे ना अपनी खुशी के लिए वो सब हो चुके हैं भाई क्लियर। BS6 ऐसी है, BS6 ऐसी, खर्चा ज़्यादा है BS6 में। जंगल जंगल चड्डी पहन के फूल खिला है। भाई ये लुक चेक करो भाई, क्या नज़ारे हैं भाई भाई, ऐसे नज़ारे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे भाई साहब। आप ऐसे थ्रॉटल लॉक करके चलाओगे ना तो जो आपकी माइलेज है ना वो इंक्रीज होगी। और आप ऐसे 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 चलाओगे ना तो भाई माइलेज इंक्रीज नहीं होने वाली है। आप एक ही थ्रॉटल दे के रखें, वो अपने आप धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेगी। देखो
अपने आप धीरे धीरे पकड़ने लगेगी। तो भाई 15 अगस्त के लिए सब लेके जा रहे हैं झंडा, सोचा यार मैं भी एक ले लेता हूँ फ्लैग, अपने भी घर पे टांग देंगे भाई। ओ वही 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 भाई टकटक टक तो बच गया भाई, एकदम से कटा हो गया भाई लिटरली, भाई धक धक हो गई मेरे। तो भाई अभी तक मैं अपनी जो अपनी बाइक है वो बहुत खुश हूँ मैं, जब से मैंने क्लच प्लेटों का काम करवा लिया है ना भाई, एक नंबर चल रही है, एक नंबर। आप तो बस यहाँ के नज़ारे देखो भाई, भाई यहाँ से लेंगे यू टर्न, आगे आ चुका है चेक पोस्ट, तो अब यहाँ से लेते हैं यू टर्न। गाइस खुल जा भाई, तो गाइस मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी राइड के लिए जो कि मेरी होने वाली है फर्स्ट राइड। तो मैं दिखाऊंगा आपको भी कैसे स्प्लेंडर से कितने किलोमीटर पर ब्रेक लेना पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ नहीं आ रहे हैं शायद नेटवर्क, इसे करते हैं बंद, चलते हैं अपने घर, उसके बाद मुझे कुछ और भी काम है तो वो करके निकलेंगे सीधे अपने घर। ठीक है गाइस, देखते हैं नेटवर्क नहीं आ रहा भाई। बंदर भाई बंदर बंदर, ये क्या हो रहा है भैया जी, एक बंदर ये रहा। ओ भाई सब कितने बंदर हैं यहाँ, तो फोन छीन के ना भग जाए। रुकते हैं यार, देखते हैं यार नेटवर्क आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ भाई नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं इसे,
चाहिए भैया, यहाँ भाई हमला ना कर दें। खुल जा भाई, भाई अभी भी नहीं खुला यहाँ तो यार, बिल्कुल ओ भाई साहब। तो भाई देख सकते हैं आप, 106 102 सब्सक्राइब, मेरे 1102 सब्सक्राइबर हो चुके हैं अभी। तो भाई साहब बस वॉचिंग टाइम अपना रह गया, वो कंप्लीट होते ही अपनी तो फिर मोनेटाइज के लिए चैनल भेज देंगे। पर इतनी जल्दी मैंने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करे हैं भाई, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई इतनी जल्दी किसी के सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होते हैं। आप नज़ारे का आनंद लीजिए और म्यूज़िक एंजॉय कीजिए, हम मिलते हैं इस रूट को ख़त्म होने के बाद। ऐसे रोडों पे ऐसे टाइम पे ना, जब भी आप लीन करते हो ना तो क्लच मत दबाया करो, ना ही लीन पे गियर बदला करो, आपकी जो बाइक है ना स्किड होने के चांसेस ज़्यादा हो रहेंगे, समझे? क्योंकि आप जब लीन करोगे, आप क्लच दबाओगे और ब्रेक दबाओ, क्लच दबाने के बाद आप ब्रेक मारोगे तो उससे क्या होता है, फिसलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं टायर को। तो इसलिए मैं यही सजेशन दूंगा कि आपको, आप लीन करते समय क्लच ना दबाएं, इंजन ब्रेकिंग का यूज करें। ये निकल जाएगी मेरी भाई।
भाई देखो मैं क्लच का कम यूज़ करता हूँ, बहुत ही कम। टॉप गियर में डालते ही क्लच का कम यूज़ करता हूँ, इंजन ब्रेकिंग ज़्यादा करता हूँ मैं इसमें। जो स्प्लेंडर है भाई स्मूथ चल रही है भाई, काफ़ी स्मूथ। तो भाई मैं तो यही सजेशन करूँगा, किसी भी बाइक में प्रॉब्लम आ रही है, 40 से ऊपर जाने में लोड बहुत ज़्यादा मांग रही है, तो भाई क्लच प्लेटें बदलवा दो, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। क्लच प्लेटों का लगभग मेरा जो खर्चा आया था क्लच प्लेट और वो रिप्लेस करके, वो आया था करीबन 450-420 की, तो शायद 350 के साथ क्लच प्लेटें थी, 350 की क्लच प्लेटें थी, 90 की वो थी प्रेशर प्लेट। तो लगभग मेरा डिस्काउंट करके जो हमें टोटल चीज़ पड़ी थी वो पड़ी थी हमें 420 के आसपास पड़ी थी। तो भाई खर्चा ज़्यादा नहीं है बाइक में, अगर आपकी बाइक में कमी आ रही है आप नहीं करवाते हो तो भाई उसके बाद ज़्यादा खर्चा मांग जाएगी आपकी बाइक। इससे बढ़िया 400-420 जो भी लग जाए आपकी, पहले अपना काम करवा लो, वो सबसे बढ़िया रहता है। तो भाई मुझे प्रॉब्लम आ रही थी राइड के लिए, तो मैंने क्लच प्लेटें चेंज करवा ली। आप अब कहोगे कि 8000 किलोमीटर पे आपने इतनी जल्दी क्लच प्लेटें चेंज करा ली, तो भाई मेरे यहाँ पर भर जाता है पानी, जिससे हमारी बाइक चलती है आधी आधी डूब डूब के, तो उसकी वजह से बाइक की क्लच प्लेटों पर लोड पड़ा और क्लच प्लेटें ख़राब हो गई थी। बस यही रीज़न था जो मैंने अपने मिस्त्री से पूछा था, उसने यही रीज़न बताया। तो बाकी हम सस्ते में निपट गए, अपनी क्लच प्लेटें जो पड़ी थी बस 420 की, लेबर लगा लो 100 रुपये की, तो भाई मेरी लेबर तो भाई 100 रुपये की, तो भाई झंडा देखो यार क्या ही लग रहा है। तो क्लच प्लेट में मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं आया, आप तो अगर हो रही है ये कमी तो आप करवा लीजिए। और आपको सेपरेट वीडियो चाहिए कि अपनी बाइक की कैसे केयर करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको उसकी अलग से एक वीडियो बना कर लिखकर दे दूँगा। देखो कैसे ज़्यादा ऊंची नहीं है ढलान पे भी, तो भाई 70 भी सही है यार, 100 cc के हिसाब से 70 सही है। आप इंजन पे लोड मत दो, धीरे धीरे एक्सीलेटर दो, जिससे आपकी बाइक नॉर्मल ही बढ़ेगी। सेवन मिनट भाई, यहाँ से रेड लाइट तगड़ी वाली भाई।
तो फिर ज़्यादा खर्च होता है, बार बार ब्रेक, बार बार क्लच, भाई ऐसे एरिया में ज़्यादा खर्च होता है। फिर देखते हैं अपने एवरेज राइड पर कितने निकालेंगे, फुल टैंक करके ले जाएंगे, देखते हैं देन उसके बाद कितना पेट्रोल आता है भरवा के भी देखेंगे कितने की माइलेज दी है। शुरुआत में जो मैं चेक कर रहा था 90 की माइलेज, तो 90 की नहीं तो 80 की माइलेज निकाल देती उस टाइम पे। अब वो मेरा वहम था या फिर चेक करते हैं भाई। स्पोर्ट बाइक सही रहे हालात पर, आपने सपोर्ट किया तो जल्दी हमारे पास भी एक स्पोर्ट बाइक रहेगी। ये हो रहा है इंजन ब्रेकिंग, देखो देखो पहुँचने वाले अपने घर। तो भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो भाई डिसलाइक कर देना, पर रीज़न ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ओ भाई बंदा बंदा पूरा मौज में जा रहा है फ्लाइट उड़ाते हुए। क्या कहता है भाई पब्लिक, लगा लिया जाएगा एक झंडा। तो भाई यही करते हैं अपनी वीडियो के एंड, और आपसे मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय बाय गाइस।